एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां खेती को प्राचीन तरीकों द्वारा किया जाता है, जहां के खेत हानिकारक रसायनों से मुक्त हैं और जहां हर फसल प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण है। ओडिशा के आदिवासी गांव उसकेला में आपका स्वागत है, जहां जैविक खेती पनपती है, जहां के लोग अपनी पारंपरिक खेती बचा पाने में सफल रहे हैं। सुतरी करूँ, बेरी करूँ, गंगाई करूँ, मांडिया करूँ, यही सब जिन रुमा करूर्थ करूँ, डाली हुए बिरी पकेबु ना सुतरी पकेबु, एटा कटा होकर फिर छोट छोट फिस करना मिक्स कर खाऊ आ खटा टाइप रहा खटा लगे आज्ञा कंचा पानी दे कर लुण टे देव सीझाई देव अधा घंटा किसी समय पर हो। खेती में तेजी से बढ़ते रासायनिक प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर अनेक प्रभाव के बारे में सभी चिंतित हैं। यहाँ पर प्रकृति का सम्मान किया जाता है, कोई कीटनाशक नहीं, कोई खाद नहीं, बस शुद्ध जैविक खेती की जाती है। यहाँ के किसानों प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझते हैं। देखा तो बेटा तार भीतर और मंजीटा, इसको दूध डाल के चीनी डाल के भी खाया जाता है, ऐसे भी उबाल के खाया जाता है। देखिए देखा तो मुझे देखा, ये इसको कहाँ वो बोलते हैं तुम्हारे भाषा कहाँ को बोलते बाबू तुम भाषा रे कांगू बोली की कहो कांगू ये की करों की ऐसा ऐसा भी पिटा खाई है। हाँ, नीम के तेल, गोबर, अन्य जड़ी बूटियों से आदिवासी किसान हानिकारक रसायनों का सहारा लिए बिना अपनी फसलों कीट से बचा कर रखते हैं। ताशोटे करो सुन, 37 बर्ण ताशो करो सुन, आवे 37 बर्ण ताशो करो जा, ये बिरी डाल जा, खटका बजा ना हूँ, जोटंगी भी ना हूँ, बिरी डाली भी ना हूँ, छोटरी भी ना हूँ, जितके प्रकार दिन से हमें कमाण कर सुन, सतके ना हूँ, बोदड़ा कर आनी के चावल पड़ता कर आनी कर खाऊं। ଅଲଗା ସାର ଦେଇକରି ଆମର ଖାଉ ନାହିଁ, ସାର ବହୁତ ବେମାର ଆସେ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। कीटों से सुरक्षित फसल ना केवल स्थानीय लोगों का पोषण करती है बल्कि टिकाऊ कृषि पद्धतियों में भी भूमिका निभाती है। इस जैविक खेती ने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बजा कर रखा है। जैसे जैसे दुनिया भर में जैविक भोजन की मांग बढ़ रही है, यहाँ का आदिवासी किसान एक हरित और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। सारा बहुत बीमार से बोलकर लोग मैंने कहते सारा नाम तुड़ भी नहीं किसी से कही नहीं हम बुधर में कौन चाहे सारा दिया बहुत बीमार बोल हमें सार आर नहीं हम तो पहाड़ गच्छर पत्थर झुलले से सार। तो अगली बार जब आप जैविक फसलों का स्वाद चखें या कीटनाशक मुक्त अनाज से बने भोजन का आनंद लें तो ओडिशा के आदिवासी किसानों की कड़ी मेहनत, समर्पण और गहरी परंपराओं को याद रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ओडिशा के सुंदरगढ़ से और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।